नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीएमजे मोटो के एक और फ्रेश ऑटो न्यूज एपिसोड पर। दोस्तों, खबर की शुरुआत करते हैं टू व्हीलर मार्केट से, और सबसे पहली खबर निकल कर ये आ रही है कि हीरो ने अपने एक्सपल्स 200 2V को डिसकंटिन्यू कर दिया है। अभी मार्केट में 4V भी है, 2V भी है, और 2V जो है अपने 4V वर्जन से मार्जिनल वैल्यू से ज्यादा टॉर्क और पावर जनरेट करते हैं, बट हमें जो बैंड है वो 4V में ज्यादा बेहतर देखने को मिलता है। शायद ऐसे कुछ कारण हो कि हीरो ने अपने 200 2V को डिसकंटिन्यू कर दिया है। अगली खबर निकल के आ रही है कि टॉर्क क्रेटोस ईवी बाइक का प्राइस हाइक हो चुका है लगभग 10,000, जो कि इफेक्टिव होगा 1 जनवरी 2023 से। ये जब से लॉन्च हुई है तब से लगभग अब तक 25,000 की इसमें प्राइस इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। डुकाटी ने अपनी एडवेंचर बाइक डेजर्ट एक्स को इंडिया में लॉन्च कर दिया है 17,91,000 की एक्स शोरूम कीमत पर। इस बाइक में हमें देखने को मिलती है 937 cc की एल ट्विन इंजन, जो कि पावर जनरेट करती है 110 hp और टॉर्क बनाती है 92 Nm। इसमें हमें 21 इंच का फ्रंट व्हील और 18 इंच का रियर वायर्ड स्पोक व्हील देखने को मिलता है। इसमें जो स्टैंडर्ड सीट हाइट है वो है 875 mm। इसकी एक एक्सेसरी सीट हमें देखने को मिलेगी जिसमें सीट हाइट 865 mm हो जाएगा, और अगर लोअरिंग किट मतलब सस्पेंशन लोअरिंग किट के साथ अगर आप इसे ऑप्ट करते हो तो 845 mm की हमें सीट हाइट देखने को मिलेगी। BMW ने शोकेस करी है अपनी CE04 EV स्कूटर, जिसमें हमें देखने को मिलता है 8.9 किलोवाट आवर की बैटरी और 130 किलोमीटर की रेंज। देखने वाली बात होगी कि BMW इंडिया में इसे किस प्राइसिंग पर लॉन्च करती है। होंडा की CB300F की प्राइस स्लैश हो चुकी है 50,000 रुपये से। ये बहुत अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी जितने बाइक्स हैं, कार्स हैं, सबकी प्राइस हाइक हो रही है, वहाँ पर होंडा की हमें जो 300F है उसमें 50,000 का प्राइस कट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं फोर व्हीलर मार्केट के बारे में। सबसे पहली खबर निकल कर ये आ रही है, हमें कुछ ग्लोबल एनकैप रेडिंग देखने को मिल रहा है, जो कि है स्कॉर्पियो एन ने स्कोर किया है 5 स्टार। वही मारुति सुजुकी के स्विफ्ट, इग्निस और एस्प्रेसो ने स्कोर किया है 1 स्टार। दोस्तों, अगली खबर ये निकल के आ रही कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने डिक्लेयर किया है कि वो लगभग 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं ईवी प्लांट सेटअप करने के लिए पुणे में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे को इनॉग्रेट कर दिया है, जिसकी लेंथ लगभग 502 किलोमीटर है। ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के बाद दूसरी सबसे लंबी एक्सप्रेसवे होने वाली है, जो कि कंप्लीशन के बाद 701 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होने वाली है। दोस्तों, अब बात करते हैं मोटर स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज के बारे में, और इसमें एक खबर ये है कि इंडियन रेसिंग लीग को जीत चुके हैं गॉड स्पीड कोची, और हैदराबाद ब्लैकबर्ड्स के अखिल रविंद्र ने ड्राइवर्स टाइटल जीत चुका है। ये इंडिया में फर्स्ट इंडियन रेसिंग लीग हुआ था। अब देखते हैं आने वाले सालों में किस तरीके से इसे प्रोग्रेस देखने को मिलती है। सो दोस्तों, ये थे इस वीक के कुछ ऑटोमोटिव न्यूज़। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीकेंड कुछ और ऑटोमोटिव न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए राइड हार्ड, राइड सेफ, राइड रिस्पॉन्सिबल। दिस वॉज रवि उत्कर्ष साइनिंग ऑफ।